सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शर्मा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सबको आपके ही चैनल पर। तो गाइस, एक खबर जो अभी तक हो सकते सभी को मिल चुका है कि आधार कार्ड जो है अभी बैंक के साथ ऐड करना, मोबाइल के साथ ऐड करना मैंडेट नहीं है। तो आपका मन में ये सवाल जरूर हो रहा है कि आप हमारी जो पेटीएम केवाईसी लेकर इतना दिनों का जो हमारी जो प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं, क्या वो राहत मिलेगा, क्या उसमें पेटीएम केवाईसी करने के लिए आधार कार्ड अभी चाहिए कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन का अगर आपका डाउट है तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो के बारे में अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपना सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 28 तारीख को जैसी ये न्यूज आ चुका है तो मैंने तुरंत सभी को पता होगा मैं किसी को पेटीएम न्यूज के बारे में किसी को बिलीव नहीं करता हूँ। कोई भी यूट्यूबर की बात करे, कोई भी न्यूज की बात करे, मैं डायरेक्ट पेटीएम कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ, कॉल कर से पूछता हूँ कि अभी आपका जो स्टेटस क्या है। तो मैंने आज सुबह कॉल किया है और कॉल करके उनसे पूछा है कि देखिए सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने बस मुझे यही बताया, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, आदेश को हम लोग मानते हैं, लेकिन आरबीआई जैसे कि बताया, उन्होंने कुछ खुलासा करके नहीं बताया, लेकिन उनके बातों से जो पता चला मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बस यही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है, यानी बिना आधार कार्ड का केवाईसी करने के बारे में पेटीएम अभी नहीं सोच रहे। उन्होंने बस मुझे एक चीज कंफर्म कर दिया कि आपका अगर आरबीआई अगर बता दिया इससे पहले कि आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये हो पाएगा, तभी हो पाएगा। तो उसके बाद मैंने पेटीएम कस्टमर केयर वाले को एक क्वेश्चन किया, मेरा कोई नंबर है, एक नंबर मैंने बताया इसमें हम केवाईसी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया देखिए नया अकाउंट का केवाईसी अभी बंद है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद भी उन्होंने कोई भी प्रकार का एक्शन अभी तक नहीं लिया है। ठीक है, अगर उन्होंने बताया कि अगर हमने ले लिया तो राइट वे से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप सभी को, अगर आ जाएगा तो मैं भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये सोच के रखिए पेटीएम केवाईसी करने के लिए जो पुराना हम लोगों का प्रोसेस था, आधार कार्ड चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे या ना दे, आरबीआई जैसे कि बताया, जैसे आरबीआई की तरफ से जो रोक लगा दिया गया है तो आधार कार्ड उसमें मैंडेटरी है। तो आप अगर ये सोचते कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के बाद हो सकता है आपका पेटीएम में थोड़ा प्रॉब्लम जो है रिसॉल्व हो जाए, तो नहीं होगा फ्रेंड्स। पेटीएम का प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम रहेगा आपका अभी के लिए, अगर जब तक पेटीएम कोई नया सोल्यूशन नहीं देगा तब तक के लिए पेटीएम का जो स्टेटस है अभी तक के लिए ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अगर पेटीएम केवाईसी करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाकर रखा है वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हो, लाइव कॉल रिकॉर्डिंग क्या बात हुआ है उनके साथ वो वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तक तो फिलहाल के लिए ही है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया है पेटीएम केवाईसी, अभी पेटीएम केवाईसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवाईसी करने के लिए आपका जैसा इससे पहले आधार कार्ड का मैंडेट है, मैंडेट रहेगा उन्होंने जैसे कि बताया, तो आधार कार्ड के बिना अभी केवाईसी नहीं होगा, यानी पेटीएम के ऊपर आपका आधार कार्ड देना ही पड़ेगा चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे या ना दे, क्योंकि पेटीएम का कहना है हम आरबीआई के बाद मिलेंगे। वो ऐसा बोल रहा है कि पेटीएम बोल रहा है हम सुप्रीम कोर्ट का राय को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम आरबीआई जैसे कि बताया, आरबीआई ने जो बताया हम जो है आधार कार्ड चाहिए अभी के लिए। तो इन फ्यूचर अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो आपको राइट वे से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मैं भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आरबीआई का राय देने के सुप्रीम कोर्ट का राय देने के बाद पेटीएम का जो कहना है मैं आपको बता दिया। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, अपना सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक वीडियो के तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।